एंड नमस्ते, मेरा नाम है सालू, जहां मैं बात करती हूँ ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस की। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज थोड़ा सा समय देके मेरे चैनल को चेक करिएगा। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, सच में मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो बढ़ती हूँ आज के टॉपिक की ओर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक्चुअली मैं अपनी कबर्ड को जो है ऑर्गेनाइज कर रही थी एंड काफी पीसेस जो अब मैं नहीं पहनती हूँ मैं डोनेट करने के लिए कपड़े निकाल रही थी। सो इंस्टेंटली मेरे माइंड में आया कि आप भी उनमें से एक होंगे जो बहुत सारे कपड़े आपने खरीद के रख दिए हैं एंड आप उसे स्टाइल नहीं करते हो। उनमें से मेरा एक ये कुर्ता है जो मैंने बहुत चाव से लिया था, बट मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं पहना, इवन वन टाइम बस इसे पहना था एंड इसी तरह ये मेरी कबर्ड में पड़ा हुआ था। सो आपके पास भी अगर कुछ इस तरह का कुर्ता है या फिर साड़ी है जिसे आप पहनना बंद कर चुके हो तो आप उसे कैसे स्टाइल कर सकते हो, बिल्कुल छोटा सा वीडियो में आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। बट आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई कुर्ता है जिसे आप सिमिलर बॉटम वेयर के साथ पहन रहे हो, सपोज आप यहाँ पे साइड पे देखो, मैंने ये कुर्ता जो है पजामा एंड नॉर्मल दुपट्टे के साथ पहना, बट ये बिल्कुल भी मीन्स इस तरह के जो डिजाइनिंग है ये बहुत पहले ट्रेंड में थे, अभी ये ट्रेंड में नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ऊपर ये इस तरह के जो वर्क वाले कपड़े होते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा मुझे फील होता है या मेरे फैमिली मेम्बर भी मुझे बोलते हैं। मेरे पास सिंपल कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट तो मैंने क्या करा, आई थॉट कि मैं इसे थोड़ा स्मार्टली इसे स्टाइल करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल देसी स्टाइल कुर्ता है, मींस पंजाबी स्टाइल कुर्ता है एंड आप उसे थोड़ा सा न्यू लुक देना चाहते हो तो आप बॉटम वेयर को चेंज करिए। नेक्स्ट मैंने जो इसे स्टाइल करा, मैंने अपने बॉटम वेयर को रिप्लेस कर दिया, मैंने अपने बॉटम वेयर को स्ट्रेट पैंट के साथ रिप्लेस करा। इंस्टेंटली कुर्ते में एक स्मार्ट लुक आ गया, बहुत ही एलिगेंट लुक आ गया। तो अगर आप भी अपने कुर्ता को न्यू लुक देना चाहते हो तो आप बॉटम वेयर के साथ प्ले करिए, आप स्ट्रेट पैंट पहनिए, सिगरेट पैंट पहनिए, बिल्कुल बहुत ही एलिगेंट लुक आएगा इस तरह की देसी कुर्ता के साथ में। सेकेंडली मैंने अपने दुपट्टा को जो है, आप अगर देखोगे मेरे कुर्ते में जो पाइपिंग है दैट इज पर्पल इन कलर, बैगनी कलर का पाइपिंग है, इसको ब्रेक करने के लिए मीन्स इस जो येलो कलर की जो वर्क है एंड पिंक कलर की, इसको ब्रेक करने के लिए मैंने जो दुपट्टा लिया दैट इज पर्पल इन कलर एंड इसमें पीच कलर का टच है। मैंने पीच और पर्पल का कॉम्बिनेशन इसलिए लिया क्योंकि पीच जो है थोड़ा न्यूट्रल कलर है एंड पर्पल मेरी पाइपिंग के साथ में बहुत ही अच्छे से मैच करेगा। सो दैट्स वाई मैंने दुपट्टे को इस तरह से करा। तो आपके पास भी अगर कुर्ते में किसी कलर की पाइपिंग है तो आप ट्राई करो कि पाइपिंग के साथ मैचिंग का अपना दुपट्टा लो, ना कि आपके कुर्ते में जो वर्क है उससे मैचिंग का आप दुपट्टा लो। अगर आप अपने कुर्ते को थोड़ा डिफरेंट देना चाहते हो, लुक देना चाहते हो, सो इस तरह से आप जो कपड़े नहीं पहनते हो आप दोबारा से उसे स्टाइल कर सकते हो। फर्स्टली अपने बॉटम वेयर को चेंज करिए, सेकेंडली अपने दुपट्टा को चेंज करिए एंड बहुत ब्राइट कलर एंड लाउड कलर है तो उसमें कुछ न्यूट्रल कलर के एसेसरी बैग फुटवेयर कुछ भी आप उसमें ऐड करें जिससे आपकी जो कुर्ता है उसमें बैलेंस बने। और जो सेकंड वे आप अगर अब देखोगे तो मैंने अपने बालों को पहले बांध के रखा था बट बाद में मैंने अपने हेयर को ओपन कर लिया जिससे जब कोई भी मुझे देखे, जब भी कोई आपको देखता है तो फर्स्ट इंप्रेशन आपके चेहरे पे जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे हेयर को खोल लिया ताकि जो अटेंशन है थोड़ी मेरे हेयर पे जाए एंड मैंने यहाँ पे जो इयररिंग पहने हैं स्टड को चूज करा इंस्टेंट ऑफ बाई झुमकास क्योंकि झुमका इसके साथ बहुत ही ज़्यादा हेवी लुक देता। तो मैंने यहाँ पे झुमका को डिच करा एंड उसकी जगह पे स्टड को पहना। तो आप भी ज्वेलरी को एलिगेंट रख सकते हो। नाउ इसका जो सेकंड वे मैंने स्टाइल करा इस कुर्ते को, सेकंडली मैंने अगर आपके पास मेरी तरह मैंने जो कुर्ता पहन के रखा हुआ है बिल्कुल इस तरह से भरा वर्क वाला कुर्ता है एंड आप इसे छिपाना चाहते हो तो आप कुछ भी दुपट्टा की इस तरह की ड्रेपिंग चूज करो जो आपके कुर्ता में जो वर्क है उसे हाइड कर दे, जिसे आप बिल्कुल शो नहीं करना चाहते हो। तो आपको सिंपली दुपट्टा को टू फोल्ड में फोल्ड करना है एंड एक पिन लगा लेना है एंड अपनी शोल्डर एरिया के पास से घुमाते हुए आपने अपने शोल्डर एरिया पे रखना है, राइट शोल्डर पे रखना है। एंड मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करा, बेल्ट को ऐड करा। सी दुपट्टे की ड्रेपिंग की वजह से मेरा जो कुर्ता है वो हाइड हो गया, वर्क हाइड हो गया एंड बेल्ट की वजह से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो आप भी इन छोटे छोटे टिप्स को ट्राई करके जिन कपड़ों को आप पहनना छोड़ चुके हो उन्हें दोबारा स्टाइल कर सकते हो। उसी
कपड़े खरीद के सिर्फ रखना काफी नहीं होता। पहले मैं भी बहुत ऐसा किया करती थी, बट अब मैं बहुत ही वाइजली कपड़ों को खरीदती हूँ जिससे मैं स्टाइल कर सकूँ लॉन्ग टाइम तक। या ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप मैंने आपकी कुछ क्वेरीज को सॉर्ट आउट करा हो। तो अगर सॉर्ट आउट करा हो तो प्लीज थम्स अप देना ना भूलिएगा। मेरी हालत देखो, पसीने से बहुत गर्मी है यार, एंड लाइट की वजह से। अभी हमारे अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है, मेरे हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से हम एसी भी नहीं चला पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेहनत दिखती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, एंड कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।